एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टोटल दिल्ली। दिल्ली सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच में आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग ने शिकायत की है कि दिल्ली सरकार में जो भर्ती घोटाला हुआ है उसकी जांच की जाए। दिल्ली सरकार पर तमाम पदों पर आम आदमी पार्टी की वॉलंटियर्स को नौकरी देने के आरोप लगते रहे हैं। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट विवेक गर्ग ने एंटी करप्शन ब्यूरो में लिखित शिकायत दी है कि सरकार में पदों पर भर्ती के नियमों को ताक पर रखकर अपने वॉलंटियर्स को भर्ती किया गया है, उसकी जांच की जानी चाहिए। उस वैकेंसी को अखबार में एडवर्टाइज किया जाता है, चाहे एम्प्लॉयमेंट न्यूज हो या प्रोसेस होता है, पूरा एक प्रोसेस होता है, वो इन्होंने फॉलो नहीं करा। दूसरी बात, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे मान लीजिए स्टेनो है, उसको टाइपिंग ही नहीं आती, ड्राइवर को ड्राइविंग नहीं आती, कहते आप एक साल में टाइपिंग सीख ली, लाइसेंस नहीं है या कुछ लाइसेंस नहीं है, इस तरह के इन्होंने भर्ती करे हैं। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तभी से आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों को सरकार में पदों पर रखा जा रहा है। ऐसे में विवेक गर्ग का कहना है कि सरकार ने जिन लोगों को भर्ती किया है ना तो उनसे कोई परीक्षा ली गई है, सरकार में पदों पर भर्ती करने के लिए जो नियम कानून है उनकी अनदेखी सरकार ने की है और ये घोटाला पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल ने किया है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। और इसमें केजरीवाल और उनके मंत्री शामिल है क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट, कुछ ने अपने डायरेक्ट मंत्री ऑफिस के लिए रिक्रूट किया, कुछ ने डिपार्टमेंट्स के लिए रिक्रूट, जैसे दिल्ली जल बोर्ड। पहला मौका नहीं है जब सरकार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की गई हो। अब देखना होगा कि जिस सरकार में एंटी करप्शन का गठन सरकार में फैले भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए किया गया था, अब जब सरकार पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो सरकार इस मामले में अपना पक्ष कैसे रखती है, ये देखना दिलचस्प होगा। जितेंद्र चौहान, टोटल न्यूज, दिल्ली। वही आरटीआई एक्टिविस्ट विवेक गर्ग की शिकायत को लेकर उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी जितेंद्र चौहान ने। दिल्ली सरकार में हुए भर्ती घोटाले को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट विवेक गर्ग ने एसीबी में कंप्लेंट दी है। क्या कुछ कंप्लेंट है, बात करेंगे विवेक जी से। विवेक जी, एक और कंप्लेंट आपने एसीबी में दी है, क्या कुछ लबल हुआ है इस बार? देखिए, सैकड़ों की तादाद में केजरीवाल सरकार ने अपने वॉलंटियर्स और अपने चहेतों को दिल्ली सरकार में भर्ती किया इन्होंने। उसमें जैसे रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं उसका सारा वायलेशन किया गया। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। एक तरफ देश दिल्ली में बेरोजगार युवा नौकरी के लिए मर रहे हैं और दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार अपने लोगों को गैरकानूनी तरीके से भर्ती कर रहे हैं। वायलेशंस क्या क्या हैं? जैसे पहली बात तो वहाँ पे वैकेंसी होनी चाहिए और उस वैकेंसी को अखबार में एडवर्टाइज किया जाता है, चाहे एम्प्लॉयमेंट न्यूज हो या प्रोसेस होता है, पूरा एक प्रोसेस होता है, वो इन्होंने फॉलो नहीं करा। दूसरी बात, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे मान लीजिए स्टेनो है, उसको टाइपिंग ही नहीं आती, ड्राइवर को ड्राइविंग नहीं आती, कहते आप एक साल में टाइपिंग सीख ली, लाइसेंस नहीं है या कुछ लाइसेंस नहीं है, इस तरह के इन्होंने भर्ती करे हैं। तीसरी, जो पे स्केल्स होता है, एक दैनिक सबसर का, एक सिविल सर्वेंट का जो स्टार्टिंग बेसिक पे स्केल है, उससे ज्यादा इन्होंने ड्राइवर पीएन को बेसिक पे स्केल्स दे दिए हैं जो इलीगल है। कोई रिटर्न टेस्ट नहीं लिए गए उनके, ज्यादातर ऐसे ही सीधे के सीधे भर्ती कर लिए। रिटर्न टेस्ट होते हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स है दिल्ली सरकार के, वो हर स्टेट के रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं, उसको पूरी तरीके से, इस तरह से कई वायलेशंस इन्होंने करी। आप लगातार एसीबी में कंप्लेंट दे रहे हैं, इससे पहले भी आपने कई कंप्लेंट दी हैं, लेकिन कॉन्क्रीट निकल कर नहीं आ रहा है, तो क्या सिर्फ ये जो पूरी चीजें हैं सिर्फ कंप्लेंट तक सिमट के रह जाएंगी या फिर इसमें आगे कोई एक्शन की भी उम्मीद लगती है आपको? देखिए, एक नागरिक होने नाते मेरा काम है एंटी करप्शन में कंप्लेंट कर देना, उसके बाद तो एंटी करप्शन ब्रांच की यह जिम्मेदारी है कि वो इसमें एफआईआर दर्ज करे, अपना अरेस्ट करे या जो भी कार्रवाई, अब उसके बाद तो एंटी करप्शन की जिम्मेदारी है, उसका जवाब तो एंटी करप्शन देगी। क्योंकि देखने में आ रहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो और दिल्ली सरकार की तो पहले ही ठनी हुई है, ऐसे में ये सब चीजें आपको लगता है कि कार्यान्वित हो पाएंगी पूरी तरीके से? डेफिनेटली, ये तो अब एंटी करप्शन ब्रांच इसका जवाब देगी, उनको करना चाहिए, क्योंकि हम बड़े आरटीआई के सारे पुख्ता सबूतों के साथ हर कंप्लेंट, पहले भी आपने कई सारे आरटीआई दी जिनमें काफी चीजें प्रूफ भी हुई हैं। हाँ, डेफिनेटली ऐसे कई केसेस में अरेस्ट भी हुए हैं पहले भी, एंटी सीएनजी फिटनेस में आप देखेंगे 9 लोग चार्जशीट भी हुए हैं, अरेस्ट भी हुए थे। तो अब जो ये विज्ञापन घोटाला है, चाहे प्याज है, चीनी है, और चाहे ये भर्ती घोटाला है, ये तो अब एंटी करप्शन ब्रांच की जिम्मेदारी है, तो आपको ये तो मीना साहब जवाब देंगे इसका। चलिए, ये तो एंटी करप्शन की जांच की जिम्मेदारी है ही है, क्योंकि अपनी तरफ से कंप्लेंट इन्होंने दे दी है एक आम आदमी के तौर पर, लेकिन एक्शन तो एसीबी को लेना है। तो इस बार एक और नई कंप्लेंट उनके पास गई है, एसीबी के पास, तो देखना होगा कि इस भर्ती घोटाले को लेकर क्या एसीबी अपनी तरफ से कोई जांच करती है या एफआईआर करती है या नहीं। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ जिंदर चौहान, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो एक तरफ विवेक गर्ग की शिकायत दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जो जनता है उनकी मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहा है टमाटर। जी हां, दिल्ली एनसीआर में लोगों पर महंगे टमाटर की मार पड़ रही है।
रिटेल के साथ साथ थोक मार्केट में टमाटर की कीमत आसमान छू रही है। पहले प्याज, फिर दाल और फिर सरसों का तेल, इन चीजों की आसमान पहुंच रही कीमत की मार के बाद अब जनता पर पड़ी है टमाटर की मार। मार भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि ऐसी जिसने एक आम आदमी के किचन के बजट को पूरी तरह हिला दिया है। दिल्ली में टमाटर पर कीमत की ऐसी लाली चढ़ी कि टमाटर के दाम एक ही झटके में 60 रुपए किलो तक जा पहुंचे। रिटेल में तो कई जगह टमाटर 60 को भी पार कर गया है। यहाँ पर तो 30-35 रुपए किलो मिल रहा है और रिटेल में जो है वो 50-60 रुपए मिल रहा है। तो कब से ये इतना महंगा आप देख रहे हैं कि हो गया टमाटर में? कोई एक हफ्ता हुआ होगा। थोक की मंडियों में भी टमाटर का कुछ ऐसा ही हाल है। 25 किलो के टमाटर के क्रेट 900 रुपए में बिक रही है, जिसका थोक में दाम 35 से 40 रुपए के बीच है। एमपी के अंदर टमाटर नहीं था, अब एमपी का टमाटर निकला है। महाराष्ट्र में अकेला टमाटर था, पूरा महाराष्ट्र एक महाराष्ट्र था जो पूरे इंडिया को टमाटर खिला रहा था, जिसकी वजह से तेजी थी। अब एमपी का माल भी निकला है, उसकी वजह से भी शॉर्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। टमाटर के दाम में ये आग बेमौसम बारिश की चलते लगी है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हुई बेमौसमी बारिश ने टमाटर की फसल को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। कारोबारियों के मुताबिक फसल खराब होने से दिल्ली आने वाली टमाटर की सप्लाई 60% तक कम होगी। सप्लाई में आई कमी का सीधा असर टमाटर की कीमत पर पड़ा और दाम छप्पर फाड़ आसमान तक जा पहुँचे। टमाटर माइनस में ही आएगा, टमाटर के पीछे से पूरी माल आ रहा है, इसकी वजह से अब टमाटर का रेट 2-4 दिन के अंदर 20-25 रुपए किलो हो जाएगा होलसेल में। कहाँ से उम्मीद है कि माल आएगा? टमाटर महाराष्ट्र और एमपी से टमाटर काफी आ रहा है और इसका बिल्कुल अब मौसम के हिसाब से माल निकलने लग गया है। अब राजस्थान का भी माल निकलने लग गया है, जिसके आने वाला टाइम टमाटर डाउन ही होगा। ये जो हम देख रहे थे दिल्ली की मंडियों में, एक हफ्ते बाद मध्य प्रदेश से टमाटर की बड़ी खेप आने वाली है। कारोबारियों को उम्मीद है कि जब टमाटर दिल्ली पहुंचेगा तो उसकी कीमत कम होगी, लेकिन तब तक महंगे टमाटर का तड़का लोगों का स्वाद बिगाड़ता रहेगा। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। यमुना के पानी में बढ़े प्रदूषण पर एम्स ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें सामने आई हैं कई बातें चौंकाने वाली। एम्स के डॉक्टरों ने इसके लिए यमुना में अलग अलग 6 जगहों से पानी के सैंपल कलेक्ट किए। देश के मशहूर मेडिकल संस्थान एम्स ने पहली बार साबित कर दिया कि यमुना का पानी न सिर्फ काला है बल्कि जहरीला हो चुका है। एम्स के डॉक्टर्स ने यमुना के पानी के 6 अलग अलग जगहों से सैंपल लिए। इन जगहों में वो जगहें भी शामिल जहां पर यमुना में नाले मिलते हैं। रिसर्च में चौंकाने वाली बात सामने आई कि यमुना के पानी में नॉर्फ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोसिन, जेंटामाइसिन, अमोक्सिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन समेत कई दवाइयां पाई गई हैं, जो काफी जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। उसमें हमें ये पता चला था कि कुछ एंटीबायोटिक्स जो फ्लोरोक्विनोलोन कहते हैं वही हमने ढूंढा है, लेकिन बहुत सारा चीज़ें मिला है हमें। एक एनालिसिस में हमें पता चला था कि मोर देन थाउजेंड्स ऑफ कॉम्पाउंड्स वी कुड लोकेट इट देयर, लेकिन ये जो कॉम्पाउंड जो वी टेक इट एज टैबलेट्स, कैप्सूल्स, दवाई लेते हैं, उस दवाई की सिग्नल्स हमें इसमें मिले हैं। एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि यमुना के पानी में इन दवाइयों के पाए जाने की वजह नाले के पानी का यमुना में मिलना है, जिसके लिए आम आदमी और सरकार दोनों ही जिम्मेदार हैं। और ड्रेन कहाँ जाता है हम तो सोचते भी नहीं है। ये ड्रेन, मोस्ट ऑफ द ड्रेन्स दे एंड इनटू यमुना। यमुना हम बोलते हैं नाला है, वो काला होता है, इसलिए हम कभी दवाई तो दिखता नहीं है उसमें, लेकिन हमें पता चला कि ये सब यमुना में जाता है। यमुना का पानी में जो भी मिला है ये सब हमारा कॉमन यूसेज से ही गया है। कुछ कुछ चीज़ें हमारा शरीर से गया है, कुछ कुछ चीज़ सपोज एक दवाई लेते हैं, दवाई कुछ खा लिया है, कुछ चीज़ को हम फेंक देते हैं डस्टबिन में, कभी हमने सोचा नहीं है कि ये इसको होता क्या है इसमें। इससे पहले कई और रिसर्च में ये बात सामने आ चुकी है कि यमुना के पानी में जहरीले केमिकल्स हैं जो काफी खतरनाक हैं। ऐसे में अब एम्स की इस रिपोर्ट पर सरकार कोई पहल करती है या ये रिसर्च तक ही सिमट कर रह जाता है, देखना होगा। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से मनोहर केसरी की रिपोर्ट। दिल्ली सहित देश के सभी शहरों में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने इमिशन रोकने के लिए बनाए गए मानकों पर सवाल उठाए हैं। सीएसई का कहना है कि सरकार को साल 1991 के नियमों को बदलना चाहिए और नए नियम लाने चाहिए।
सेंटर फॉर साइंस इन एनवायरमेंट ने एमिशन नॉर्म्स को लेकर कड़ा विरोध जताया। सीएसई का तर्क है कि मौजूदा दौर में एमिशन रोकने के लिए दूसरे देशों में आए दिन नियमों को सख्त किया जा रहा है, जबकि हमारे देश में अभी भी 1991 के नियमों के सहारे ही काम चल रहा है, जिसके कारण डीजल गाड़ियों का प्रदूषण फैलाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तो ये जो स्मोक का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल ही नाकाफी है नई गाड़ियों के द्वारा जो प्रदूषण होता है उसको चेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल के जैसे फोक्स वैगन का मामला जो अमेरिका में पकड़ में आया है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड के मामले में पकड़ में आया है, जिसकी टेस्टिंग अभी होती भी नहीं है फील्ड कंडीशंस में। तो अगर हमारे टेस्ट प्रोसीजर्स अगर इम्प्रूव नहीं हुए तो हम कभी भी इस तरह की जो दिक्कतें आ रही हैं पॉल्यूशन की वो पकड़ नहीं पाएंगे। सीएसई का तर्क है कि भारत में मौजूदा दौर में एमिशन नॉर्म्स 65 हैं, जबकि पाकिस्तान और सिंगापुर जैसे देशों में ये 40 कर दिया गया है। यही नहीं, मौजूदा दौर की गाड़ियों में मौजूद टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करने की जरूरत है। साथ ही कई पीयूसी सेंटर बनाए जाने के बजाय सरकार को चाहिए कि वो 1, 2 या 4 सेंटर बनाए जहाँ पूरे नियम कागजों के साथ टेस्टिंग हो। एक तो टेस्ट प्रोसीजर्स में काफी खामियां हैं, इम्प्लीमेंटेशन में काफी खामियां हैं। क्या क्या खामियां थोड़ा मेनली अगर उसको देखिए, मेनली ये होता है कि डीजल के टेस्ट प्रोसीजर काफी इलेबोरेट है, यानी कई तरह के स्टेप्स हैं उसमें। अगर उसको सही तरीके से नहीं किया तो आपकी रीडिंग सही नहीं आएंगे। बहरहाल अभी देखना है कि सीएसई ने सुझाव इस दिशा में दिए हैं, उन्हें लेकर सरकार कितनी गंभीरता से सोचती है। टोटल न्यूज के लिए ललित नारायण कांडपाल की रिपोर्ट। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।